दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार आप सुन रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य है, यानी कुर्सी के लिए रस्साकसी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सियासी धमाका हो गया है। जी हां, जल्दी तारीख का ऐलान होने वाला है जब नेतृत्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसने इस बात की गवाही न सिर्फ दी है बल्कि संकेत दे दिए है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने जा रहा है उससे पहले ही एक बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश की सरकार या संगठन में होने जा रहा है। आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर दिखा दूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद से ही यह रसाकसी चल रही है कि कौन जिम्मेदारी लेगा कि जहां 62 सीटें हुआ करती थी बीजेपी के पास, वो सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गए। कौन जिम्मेदारी लेगा? लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। ये खबर ये निकल कर आई कि मोदी शाह ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया कि आप इस्तीफा दीजिए, नैतिकता अपनाइए, नैतिक जिम्मेदारी लीजिए, और कई आपकी वजह से हार हुई इसके बाद। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि नहीं, मेरी वजह से इसलिए नहीं क्योंकि टिकट मैंने नहीं बांटी। मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक भी है, लेकिन खेल यह है कि वो बात केवल वादों तक नहीं रह गई, बातों तक नहीं रह गई, वो आ गई है पूरी खुलकर इस बात के कि मैं बड़ा या तू बड़ा, और इसने हालात पूरी तरह से बदल कर रख दिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल ही रहा था। अब जो खबर है वो पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आज की ताजा खबर है। पहले इस तस्वीर को देखिए, इसमें गृहमंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे, हाथ में गुलदस्ता नजर आ रहा होगा, और जो शख्सियत ये गुलदस्ता अमित शाह बाबू को दे रहे हैं ये कोई और नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है। इनका नाम है मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। इससे पहले जितने भी मुख्य सचिव 2017 के बाद हुए वो सारे के सारे मोदी शाह के इशारों पर रखे जाते थे। यानी कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, बाबा क्या फैसले ले रहे हैं, कौन कौन मिलने आया, क्या बातें हुई, तमाम चीजों की जानकारी वो मुख्य सचिव के जरिए पहुंचती थी मोदी शाह तक। लेकिन 4 जून को नतीजे आने के बाद जो रसाकसी दोनों के बीच हुई, यानी मोदी शाह वर्सेज योगी आदित्यनाथ हुआ, उसमें योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा शंकर मिश्र, जो अमित शाह के खास थे और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे, उनको सेवा विस्तार देने से मना किया, वो बाहर चले गए। ये अपने मनपसंद योगी आदित्यनाथ लेकर आए मनोज कुमार सिंह। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ से विवाद के बीच भी मनोज कुमार सिंह मुलाकात करने जाते हैं शाह बाबू से, वो खबर आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए अभिषेक उपाध्याय ने खबर लिखी, ट्वीट किया है, गृहमंत्री अमित शाह से यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह सीएम योगी के बेहद ही विश्वसनीय अधिकारी माने जाते हैं। यूपी के वर्तमान सियासी हालातों में हर मुलाकात एक संदेश है, हर तस्वीर विशेष है। जी हाँ, विशेष क्यों है अब आपको मैं समझा देता हूं। दरअसल 4 दिन हुए बीते हैं, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त, 4 दिन बीते हैं। इन 4 दिनों में लगातार लखनऊ से दिल्ली भागा जा रहा है। जी हाँ, 4 दिनों में 3 बड़ी मुलाकातें हुई और इसी ने पूरे सियासी गलियारे को हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि पलड़ा जरूर केशव प्रसाद मौर्य का भारी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर पीछे हटने नहीं जा रहे, और उन्होंने आगे आकर इसके लिए मोर्चा भी खोला। कैसे? अब इस वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो है, इस वीडियो को आपने देख लिया, कितना चल रहा है वीडियो। इसमें आपको योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और नितिन गडकरी नजर आ रहा है, ठीक है। ये 12 अगस्त की है, इसको ट्वीट जो है योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से हुआ है, और 12 अगस्त का इस पर तारीख लिखी। अब इस तारीख के साथ साथ पढ़िए क्या लिखा है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट हुई, अपना अमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। दरअसल इस तस्वीर, इस वीडियो के जरिए योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश भिजवाया मोदी शाह कैंप को कि मैं दिल्ली में हूं लेकिन मिलूंगा नहीं। ये मत सोचना कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी मिल लीजिए, शाह बाबू मिल लीजिए, और ये हो भी रहा है। आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप जाकर देखिएगा, जो भी आपसे आकर कहता है कि विवाद नहीं है, सब ये सब फिजूल की बात है, विवाद खुल्लम खुल्ला है। 4 जून के बाद जो भी आपसे कहता है ना विवाद नहीं है, 4 जून के बाद अकेली ऐसी तस्वीर मोदी जी के साथ या अकेली ऐसी तस्वीर शाह बाबू के साथ योगी आदित्यनाथ की दिखा दीजिए। आपने देखा उससे पहले देखी होंगी आपने कहीं कि जब भी दिल्ली दौरे पर गए योगी आदित्यनाथ तो अमित शाह से मुलाकात की या शाह बाबू से मुलाकात की, अलग अलग व्यक्तिगत, जैसे अभी नितिन गडकरी से मिल रहा है वैसे ही जाकर मुलाकात की। लेकिन 4 जून को जब विवाद हुआ है, 4 जून को नतीजे आने के बाद से, तब से एक बार भी योगी आदित्यनाथ मोदी शाह से व्यक्तिगत मुलाकात करने नहीं गए। अभी एक बार हुई थी, लेकिन उसमें सब प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलने गए थे।
जो बीजेपी शासित तो राज्य शासित मुख्यमंत्री है ना, सब मिलने गए थे, जिसमें ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर नजर आ रही थी। तब भी अंधभक्त बार बार क्या कह रहे थे, नहीं देखा योगी आदित्यनाथ को कोई हटा नहीं सकता, मोदी जी का हाथ अब भी उनके साथ है, दोनों में कोई विवाद नहीं, जबकि ऐसा कोई नहीं है। 4 जून से 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसा नहीं है योगी आदित्यनाथ दिल्ली नहीं गए, जब जब गए तब तब वो मोदी शाह के एम के खिलाफ खड़े बीजेपी के नेताओं के साथ मिलने गए। अब नितिन गडकरी कौन है इनको समझिए, दरअसल नितिन गडकरी जो है वो मोदी शाह कैंप के खिलाफ है, वो दूसरे कैंप में, उनका अलग कैंप है जो आरएसएस संचालित करता है। योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की जब कोशिश हो रही थी तो आरएसएस ने ही योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया, यानी योगी आदित्यनाथ आरएसएस वाली कैंप में, तो ऐसे में ये मुलाकात करने पहुंच गए। ठीक है, ये मुलाकात क्यों करने गए वो भी मैं समझा देता हूं। दरअसल एक दिन पहले खबर आई थी, यानी 11 अगस्त को शाम को खबर मिलती है योगी आदित्यनाथ, खबर ऐसी है कि उन्हें खबर मिली कि मोदी से मुलाकात करने केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गया। खबर दिखा देता हूं पहले आपको, खबर देखिए ये क्यों भगदड़ मच रही है वहां पर। एबीपी न्यूज ने खबर छापी, यूपी बीजेपी में हलचल के बीच पीएम से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इस मुद्दे पर हुई बात। खबर पहले थोड़ा देख लीजिए, इसमें लिखा है लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में लगातार अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही थी, इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, हार की समीक्षा के लिए मंथन भी खूब हुआ। बवाल तब बढ़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब इसी विवाद को लेकर एक नई खबर है, खबर यह है कि 3 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य यानी 11 अगस्त को मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सूत्रों के मुताबिक केशव मौर्य ने पीएम मोदी को यूपी में बीजेपी के हालात की जानकारी दी है, केशव मौर्य ने पीएम को लोकसभा चुनाव में हार की वजह भी बताई। सूत्रों का दावा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, सूत्रों के मुताबिक केशव ने पीएम को यूपी के हालातों की जानकारी दी। अब ये मुलाकात 11 तारीख को होती है। सबसे करिश्माई बात क्या है जानते हैं, केशव प्रसाद मौर्य एक एक तस्वीर को, एक एक पर्टिकुलर एक एक तस्वीर को किस पर डालते मालूम है, ट्विटर हैंडल पर। जी हाँ, एक एक, उनसे कोई मिलने आ जाए, मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष, कोई भी आ जाए, वो एक एक तस्वीर की खबर की बताते हैं कि मुझसे कौन कौन मिलने आया या किससे मिलने गया। लेकिन 11 अगस्त को जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है तो उसका जिक्र कहीं भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं करते, यानी कॉन्फिडेंशियल थी, किसी को पता ना लगे क्या बातें हो रही हैं। और जैसे ही ये खबर, चूंकि अंदरूनी खबर जैसे ही योगी आदित्यनाथ को लगी कि खुल्लम खुल्ला मिल सकते थे, लेकिन खुल्लम खुल्ला नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, फौरन भागे कहां, योगी आदित्यनाथ ये सुनते ही कि केशव ने मोदी से मुलाकात कर ली है, वैसे ही फौरन भागे वो दिल्ली, और दिल्ली में जाकर मुलाकात की नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी आरएसएस के कभी, मतलब ये पूरा का पूरा तैयारी कि देखिए कुछ पक रहा है उधर, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने चुपके से आकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अब चले तो गए कि योगी आदित्यनाथ, लेकिन योगी मोदी और शाह से मिलकर नहीं आए। ये मुलाकात इसलिए हुई इनके मुख्य सचिव की, मोदी शाह एक संदेश गया कि दिल्ली में पहुंचने के बाद भी मोदी शाह से मुलाकात नहीं की। नंबर का गेम किसके पास है, केशव प्रसाद मौर्य के पास, ज्यादातर विधायक उनके साथ है, अकेले पड़े हुए हैं योगी, इसीलिए उन्होंने अपना दूत यानी मुख्य सचिव को भेजा कि जाकर अमित शाह जी से मुलाकात करके आइए, एक संदेशा पूरे उसमें जाना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं, यही मुलाकात इसकी है। लेकिन खेल यह है कि अगस्त के आखिर से पहले खबर यह है कि एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, यानी एक तरफ विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होगा और दूसरी तरफ नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। नमस्कार। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान, फ्री सेवा या मुंह मांगा इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं, केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट स्पेशलिस्ट, नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मन चाहा समाधान, भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर, निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले, मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर, मोबाइल नंबर 9627777786।